नमस्कार मित्रों, हमने एक बॉडी कैमरा ऑर्डर किया था तो एक बार चेक कर लिया है पूरा। ये आपके लिए इसका ओपनिंग कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये क्या है, कैसे है, कितना अच्छा काम करता है। तो मैंने इसका ओपनिंग ऑलरेडी चेक कर लिया था, फिर चेक करने के बाद जो है आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है, कैसे पैक आता है। तो ये देखिए फ्लिपकार्ट के ज़रिए आया है मेरे पास में, और बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स मैंने पहले से काट रखा है तो खोलते हैं। तो ये इस प्रकार से आता है, इस पे जो है कैमरा लिखा हुआ है, कैमरा HD वीडियो कैमरा, ठीक है। और ये कुछ हेडफोन वगैरह ईयरफोन जो है 299 का मुझे गिफ्ट भी कर रहे हैं। एनीवे कैमरे का फ़ोटो जो है आप इस पे ये देख सकते हैं। पीछे के साइड में भी दिखाया है मैचिंग, वाईफाई का सिग्नल दिखाया है मैचिंग के लिए, कैमरा दिखाया है, ये प्रोमो का दिखाया है आइकॉन, और ये वीडियो का आइकॉन दिखाया है। तो इस प्रकार ये है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। तो ये सब चीज़ें चाइना में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, और अपने यहाँ के जो व्यापारी हैं वो अपना लेबल लगा के या मंगा के जैसे भी बेच रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर जो है चाइना है। इसमें पीछे साइड में ऐप दिया हुआ है कि ये कौन से ऐप से कनेक्ट होगा और कैसे चलेगा। तो ये आईफोन के लिए भी है और एंड्रॉयड के लिए भी है। बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। अंदर जो है आपको ये एक कैमरा मिलेगा, बॉडी कैमरा, ये बॉडी कैमरा है। इसमें जो है राइट साइड में 3 बटन है, 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड में जो है 1 बटन है और SD कार्ड का स्लॉट है, और इसके साथ में जो है एक USB केबल दिया है चार्जिंग के लिए, और आप जो है जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगा उसको अपने या कहीं भी ट्रांसफ़र करने के लिए USB केबल है, चार्जिंग के लिए भी है। और इसके बाद यूज़र मैनुअल है, यूज़र मैनुअल जो है एक साइड में पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है, देख सकते हैं पूरा बढ़िया से, जो कि समझ में नहीं आएगा, और एक साइड में जो है अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। तो अंग्रेज़ी में जो है एक ऐसा फिगर के साथ में है। उसके बाद एक साइड में जो है, ध्यान से देखिए, एक साइड में जो है ये बटन के बारे में बताया है, लेफ्ट वाले बटन के बारे में देखिए क्या लिखा है, फंक्शन इंट्रोडक्शन। एक नंबर पर है रिसीविंग अपर्चर, सेकेंड में है नाइट विजन के, ये नाइट विजन कैमरा भी है। तो इसके ये वाला जो है पोर्शन जो है, ये छोटा ये जो बटन है, ये जहाँ SD कार्ड लगता है उसी साइड में, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये नाइट विजन मोड में चला जाएगा, और रात के टाइम में जो है ये रिकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। और जो राइट साइड वाला है, ऐसे फेस करेंगे तो जो राइट साइड में आता है जहाँ 3 बटन है, इन तीनों को जो है ऑन करना पड़ता है। तो ये फंक्शन बाद में समझते हैं, पहले ये देख लें कि क्या क्या इसमें मैनुअल में क्या क्या दिया हुआ है। तो मैनुअल में जो है इसमें रिसीविंग अपर्चर, नाइट विजन की, रिसेट होल, इसमें रिसेट होल भी है। देखिए जिधर SD कार्ड लगता है उधर ही एक छोटा सा होल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ रिसेट है, TF कार्ड स्लॉट, मेमोरी कार्ड स्लॉट आपको बताया ही, बैक मैग्नेट, ये जो है ना ये वाला हिस्सा, ये मैग्नेट है। उसके बाद इंडिकेटर लाइट आपको दिखने को मिलेगा,
अब 7 नंबर में आते हैं, मतलब ये तीसरे साइड में रिकॉर्ड सेव किए, ये वाला जो है ये रिकॉर्डिंग वाला सेव सेव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये वाला की दिखा रहा है। उसके बाद जो है 9वां जो है ये नीचे वाला जो है, ये सबसे नीचे वाला जो है पावर ऑन ऑफ की है, और 10 नंबर जो है ये 10 नंबर ये दिया हुआ है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये रोटेट हो जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, बस 90 डिग्री मान लीजिए, ये ऊपर जाएगा और ये और इसका ये 90 डिग्री ये रोटेट हो रहा है, तो इतना रोटेशन है इसका। फ्रंट बैक क्लिप, तो ये जो है इसका क्लिप है, ये इस क्लिप को आप किधर भी ऐसा हुक कर सकते हैं, कपड़े में लगा के चल सकते हैं। और ये USB इंटरफेस है 12 नंबर, तो ये इसके फंक्शन के डिटेल हो गए। अब जो है इसका यूज समझ लेते हैं कि यूज कैसे करना है। तो पहले जो है नॉर्मल यूज़ करने के लिए आपको सबसे नीचे वाला बटन और दोनों में से कोई एक, वीडियो का या ऑडियो का, आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला, आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो नीचे वाला, पावर ऑन बटन के साथ में उसको ऑन कीजिए और 2-3 सेकेंड वो ब्लिंक करेगा, फिर रिकॉर्डिंग करना चालू करेगा, फिर दोनों को ऑफ कीजिए, ऑफ करके अपने सिस्टम में लगा के और वीडियो जो है निकाल लीजिए, ऐसा है, वीडियो सेव हो जाता है, उसमें बन जाता है। ऑडियो का भी सेम फंक्शन है, तो ये पावर बटन और ये वाला ऑडियो बटन चालू कर दीजिए, वीडियो वाला ऑफ रखिए, तो ये आपका ऑडियो रिकॉर्ड करते रहेगा। उसके बाद बंद कर देना है दोनों को, वीडियो सेव हो जाएंगी और सेव होने के बाद जो है आप सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। तो ये बिना फ़ोन से कनेक्ट करने का तरीका है, अभी फ़ोन से हमने कनेक्ट नहीं किया है, अभी हमको ऐसे ही यूज़ करना है कि रिकॉर्ड किया, यूज़ किया इस तरह से। अब ये नाइट विजन कैमरा है, जैसे आपको रात में वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आपने वीडियो ऑन किया, पावर की ऑन किया और बीच वाला वीडियो के ऑन किया, ऊपर की तरफ ऑन होता है, और उसके बाद इसको भी ऊपर कर दिया, तो ये रात में नाइट विजन कैमरा चालू कर देगा और जो है रिकॉर्डिंग देगा। तो वीडियो क्वालिटी उतनी खास नहीं है, लेकिन है कि काम चल जाए। और रहा वाईफाई से कनेक्ट करने का, अभी इसको इसको वाईफाई से कनेक्ट करके और कहीं दूर बैठ कर देखें आईपी कैमरे की तरह, तो ये इसमें फंक्शन है नहीं, काम नहीं कर रहा है इसमें, तो ये ऑलरेडी चेक किया हुआ है। एंड्रॉयड मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर से तो USB केबल से आप फाइल कॉपी कर सकते हैं, इसको इसका फंक्शन कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे एडिट करेंगे ये देखते हैं। तो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऐप का कोड दिया हुआ है, तो इस कोड को जो है आप गूगल लेंस में जब स्कैन करेंगे तो इसका लिंक दिखेगा, इस लिंक को ओपन करके और आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टैम प्रो इसका नाम है ऐप का, तो ये जो है ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो कैमरा है इस कैमरों को जो 3 बटन दिए हुए हैं इन तीनों को ऑन करेंगे तब आप जो है अपने डिवाइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन तीनों को ऑन करने पे ये क्या करेगा कि इसका जो हॉट स्पॉट है, इसका एक पर्सनल अपना हॉट स्पॉट है, तो आपको अपना मोबाइल डेटा बंद करना पड़ेगा, वाईफाई जो है मोबाइल का चालू कीजिए और इसके हॉट स्पॉट से कनेक्ट कीजिए, पासवर्ड इसका दिया हुआ है पेपर में ही, वो पासवर्ड डालिए, तो ये कनेक्ट कर लेता है। तो अभी कैसे ये कनेक्ट करेगा इसके बारे में भी देखते हैं। तो हमने ये इसका ऐप चालू कर लिया है और स्पोर्ट DB में जाना है, अपना मोबाइल डेटा ऑफ रखिए, वाईफाई को ऑन कर दीजिए,
जिससे कि जो कैमरा है उसके हॉट स्पॉट से ये कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे हॉट स्पॉट शो कर रहा है, मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया है और ये अब कनेक्ट है। तो वापस हम बैक आते हैं, स्पॉट डीवी वापस क्लिक करते हैं, देखिए ये कैमरा चालू हो गया। तो इस तरह से ये बिना इंटरनेट के, इसका कुछ रेंज है 4-5 मीटर तक या उससे कम ही है, तो कनेक्ट करके ऐसे मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं इस कैमरे को। ये तो उसका फंक्शन है, उसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं हम, देखेंगे। तो कैमरे की क्वालिटी ठीक ठाक ही है, काम चलाऊ है, ठीक है और सस्ता भी है, लगभग मुझे 2700-2800 रुपए के आसपास में पड़ा ही है। तो अगर आपकी इच्छा भी हो तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे सर्च करके और कहीं से भी ले सकते हैं। देखिए हमने इसको फुल स्क्रीन किया है एडिट करने के लिए, तो इससे आप जो है फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें जो है HD क्वालिटी, HD क्वालिटी, इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार उसको बदल के रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारा फंक्शन है इसमें। तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए, ये कैसे रिकॉर्ड कर रहा है, क्या इसकी क्वालिटी है।